आज हम जाएंगे सपनों की नगरी केदारनाथ, जहाँ के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ आज हम जाएंगे और गाड़ी की सर्विस कराने। अभी सर्विस कराने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा सामान, ऑयल वगैरह। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यहीं पे हम खड़े हैं फिलहाल, क्योंकि जहाँ से सर्विस करानी है ना वो भाई लगभग देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं, उसके बीच में यहाँ पर रुके हुए हैं। इस जगह का नाम तो मुझे भी, हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग और कल्लो संगम के दर्शन। ये है अलकनंदा जो यहाँ से गंगा जी बन के निकलती हैं, जो हरि। अभी हम पहुँच गए फाइनली अपना जो हमारा ड्रॉप लोकेशन है। देखो टाइम हो रहा है 11:06, तो अभी आप समझ सकते हो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हो चुकी है 2 जून, 2 जून हो गई है, टाइम हो रहा अभी 6:25, 6:30 बजने वाले हैं लगभग, और अभी हम आ गए हैं गंगा जी घाट पे, क्योंकि आज है हमारा काफ़ी स्पेशल डे। जैसे आपको पता ही है आज हम यहाँ से निकलेंगे पहाड़ों के लिए, और कहाँ जाएंगे? आज हम जाएंगे सपनों की नगरी केदारनाथ, जहाँ के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ आज हम जाएंगे। और अभी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए आ गए हैं, क्योंकि हरिद्वार में अगर है और गंगा स्नान ना हो, वो भी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो बेकार ही है ना यहाँ आना। लोग यहाँ आ नहीं पाते, अगर हम डेली आ रहे हैं, ऊपर वाला हमें मौका दे रहा है तो अपना गंगा स्नान तो बनता है ना। तो अभी सुबह सुबह आ गए हैं, सुबह सुबह का नज़ारा आप देख रहे हो ना, पूरा घाट खाली है और इस टाइप के सूर्य दर्शन हैं। तो चलिए अभी गंगा स्नान कर लेते हैं, और फिलहाल आज हम जो जाएंगे केदारनाथ के लिए जाएंगे अभी, और यहाँ से लगभग 9:30 के आसपास निकलेंगे, और करीब 7 से 8 घंटे हमें लगेंगे, तो शाम तक हम पहुँच जाएंगे सीधा केदारनाथ। अब रास्ते की क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कहाँ कहाँ चेकिंग होती है, क्या क्या रूल रेगुलेशन रहते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है, इस चीज़ को इग्नोर करना, ठीक है। फिलहाल अपनी नींद पूरी हो गई है और कर लेते हैं गंगा स्नान। अभी हमें गाड़ी की सर्विस भी करानी है, और फिलहाल थोड़ा बहुत अपना चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि रास्ते का हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है आज हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक। तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कहाँ रुकते हैं, कैसे क्या होटल ढाबे होते हैं, कहाँ ड्राइवरों की सुविधा होती है नहीं होती है। तो चलिए सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो करें, और कोई भी शिकायत सुझाव कुछ भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है हरिद्वार से। चलिए पहले करते हैं गंगा स्नान। आओ तो कर लो गंगा स्नान, सुबह सुबह का टाइम हो जा रही है। आज थोड़ा सा गंगा जल कम है, बट कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बहुत आ रही है और काफ़ी ठंडा जल है। तो दोस्तों टाइम हो गया 7:36, और अभी फाइनली हम नहा धो के हो गए रेडी। फिलहाल अपना चाय पी लिया, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कर ली है, अभी हम जा रहे हैं सीधा गाड़ी की सर्विस कराने। अभी सर्विस कराने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा सामान, ऑयल वगैरह, ऑयल फिल्टर, ये सारा सामान लेना पड़ेगा। तो वो रात को ही एक भाई को बोल दिया था, उन्होंने लेके रख लिया था, क्योंकि मुझे इधर का ज़्यादा आइडिया है नहीं, और वो हैं यहीं के हरिद्वार से ना, तो वो तो अपनी गाड़ियों का काम कराते रहते हैं, इसीलिए उनको बोला था। तो अभी फ़िलहाल ऋषि पुल से हम निकल आए हैं, अभी सीधा जा रहे हैं उनसे सामान कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर जाएंगे मैकेनिक के पास, फिर सर्विस कराते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से। दोस्तों अभी हम खड़े हैं हरिद्वार और दिल्ली हाईवे पे, यहाँ पे है ये मेरे पीछे आप देख सकते हो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यहीं पे हम खड़े हैं फिलहाल, क्योंकि जहाँ से सर्विस करानी है ना वो भाई यहीं पे आएंगे। फिलहाल गाड़ी का सामान जो है ना, ऑयल वगैरह हम लेके आ गए हैं गाड़ी में। अब ये जो
फुटओवर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे उन्होंने बोला कि आप वहीं पे खड़े रहो और यहाँ पे देखो तो कितनी बड़ी है, मस्त लग रही है ना। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में वो आ जाएंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से सर्विस के लिए। दोस्तों टाइम हो गया 9:26 और फाइनली हम अपने पिकअप लोकेशन में पहुंच गए हैं। ये जो मेरे पीछे आपको होटल दिख रहा होगा यहीं से हमारा पिकअप रहने वाला है। अपनी गाड़ी लगा दी है फिलहाल, अभी थोड़ी सी देर में जैसे ही कस्टमर आ जाएंगे फिर निकलेंगे। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हल्का पूरा कर लिया था क्योंकि रास्ते का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी राइडर से बात हो गई है, वो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, तो जैसे वो आ जाते हैं फिर आपको आज पूरे दिन की जर्नी आपको बताने वाले हैं कि राइडर कैसे थे, क्या था और केदारनाथ के रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो चलिए अभी पिकअप करके थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलते हैं। हो गया 3:55 और अभी हम पहुंचने वाले हैं, लगभग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। उसके बीच में यहाँ पर रुके हुए हैं, इस जगह का नाम तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। यहाँ से लगभग देवप्रयाग रह गया करीब 15-16 किलोमीटर के आसपास, तो ये कोई तीन धारा करके कोई जगह है, यहाँ पर रुके थे। अभी राइडर को थोड़ा बहुत कुछ खाना था, अपनी ये गाड़ी खड़ी है और बोनट खोल के गाड़ी खड़ी करनी है क्योंकि सारी गाड़ियाँ बोनट खोल के ही खड़ी हैं। थोड़ी थोड़ी जो है ना हीट हो जाती है इसकी वजह से, पहाड़ों पर जब भी 10-5 मिनट के लिए खड़ी करते हैं तो बोनट खोल के खड़ी कर देते हैं। ये देखो गाड़ी की हालत क्या हुई है, ये ऊपर से गिरा होगा ना मलबा, इसकी वजह से गाड़ी पूरी घरी हो गई, एक ड्रम के बराबर हो गई इतनी बड़ी गाड़ी। तो चलो फिलहाल अपना खाना पीना हो गया, अभी राइडर जैसे ही आ जाएंगे तो थोड़ी सी देर में निकलते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, नीचे से तो काफ़ी आराम है लेकिन यह है कि उतना आराम नहीं है जितना कल चंबा में था। अभी हो सकता है ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा और ठीक हो जाए, तो अभी जैसे ही राइडर आ जाते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी सी देर में यहाँ से। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:22 और अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग और कल्लो संगम के दर्शन। ये है अलकनंदा और भागीरथी जो यहाँ से गंगा जी बन के निकलती हैं, जो हरिद्वार में गंगा जी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हो दोनों पानी क्लियर आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन दर्शन है। अभी थोड़ा सा जल कम है बट कोई नहीं, अभी राइडर को दिखाने के लिए रोकी थी गाड़ी और अभी निकलते हैं थोड़ी सी देर में। देवप्रयाग पहुंच गए हैं फाइनली, टाइम तो थोड़ा सा लग रहा है आज क्योंकि वो ये ऋषिकेश में ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया ना, वहाँ पे टाइम ज़्यादा ख़राब हो गया था और कुछ नहीं। तो दोस्तों टाइम हो गया 9:15 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ अपने होटल पे। राइडर को ड्रॉप कर दिया है, अभी राइडर सीधा चले गए हैं रूम के अंदर, अभी हमने ऊपर होटल पे हैं। तो दोस्तों इस टाइप की कुछ पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, और ये है कस्टमर का होटल। एक होटल ये है, एक जिस होटल पे जिस छत पे हम खड़े हैं ये एक अंडरग्राउंड होटल है। तो यहीं पे फ़िलहाल अपनी गाड़ी लगा दी है वो लास्ट में, और बाकी की डिटेल अभी थोड़ी सी देर में बताएंगे गाड़ी में बैठ के कि कैसे क्या यहाँ पे इंतज़ाम है, क्या क्या है, खाना पीना ड्राइवर के लिए, रूम वगैरह है या नहीं है। तो सारा कुछ सारी डिटेल बताएंगे थोड़ी सी देर में। ये होटल का नाम है, ये देखो अगर दिख रहा थोड़ा सा दूर है, तो चलो थोड़ी सी देर में मिलते हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया रात के 11:06 हो गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं फाइनली अपना जो हमारा ड्रॉप लोकेशन है। देखो टाइम हो रहा है 11:06, तो अभी आप समझ सकते हो 11:06 का टाइम हो रहा है, तो पूरा दिन हो गया हमें गाड़ी चलाते चलाते। फिलहाल अपना खाना पीना करके हम हो गए रेडी और अभी हम पहुंच गए हैं आपका ये पड़ता है गुप्त काशी के ऊपर रामपुर। रामपुर मतलब ऑलमोस्ट अपना केदारनाथ पहुँच गए हैं, जो हमारी बरसों की इच्छा थी, मतलब बरसों नहीं कह सकते सालों की इच्छा थी, फाइनली अपने केदारनाथ पहुंच गए हैं। अभी केदारनाथ में कैसा क्या सिस्टम है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, और बुकिंग कितने की थी, किसने दी, क्या रहा, क्या रूल रेगुलेशन थे, सारा कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों आज छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करके फाइनली हम अपना केदारनाथ पहुंच गए हैं, जो हमारी बरसों की इच्छा थी। अभी फिलहाल मंदिर पे नहीं हम गए हैं, जो मेन
मंदिर है वहां, अभी हम नहीं जा सकते हैं, कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं, मतलब मीन्स की दिक्कतें क्या है, अभी पहली चीज तो ये, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं केदारनाथ पहुंचा हूँ, ठीक है। अभी केदारनाथ में क्या रूल रेगुलेशन है, कितना किलोमीटर है, आगे मेन मंदिर है, कैसे जाते हैं, क्या है, सारा कुछ हम जब जानकारी ले लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद मंदिर तक पहुंचेंगे। फिलहाल जहां कस्टमर का जो टूर पैकेज था उस हिसाब से जहां भी होटल बुक हुआ है वहां पे हम पहुंच गए हैं। होटल जो है बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर के रुकने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की भी सारी व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो रूट लगा है ना, हरिद्वार से केदारनाथ में डायरेक्ट आया हूँ लाइफ में फर्स्ट टाइम, और कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपकी छोटी से छोटी भी गाड़ी है ना, फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी है, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको पेट्रोल पे लानी पड़ेगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मतलब एक तो ट्रैफिक कहीं भी नहीं मिला, लोग पता नहीं क्यों हल्ला मचा रहे हैं कि मतलब ट्रैफिक है ट्रैफिक है, बट भाई मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं ना, लाइव एक्सपीरियंस, मुझे 1% कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला, और बढ़िया से अपना पहुंच गए हैं केदारनाथ। अभी आगे की जर्नी क्या रहेगी, कैसे क्या, जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है, आगे की जानकारी हम आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देंगे, क्योंकि अभी टाइम भी काफी हो गया ना, फिलहाल खाना पीना हो गया है, अभी सुबह से आप समझ लो गाड़ी चला रहा हूं मैं, क्योंकि रास्ते में जो हमें ट्रैफिक मिला तो सॉरी जो हमें ट्रैफिक मिला था ना, वो हमें ट्रैफिक मिला था सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश में, ठीक है। और ऋषिकेश में हमारी हालत खराब हो गई थी, 9:30 बजे हम हरिद्वार से निकले थे, और हरिद्वार से ऋषिकेश क्रॉस करते करते लगभग हमें 2 बज गए थे, क्योंकि पहली चीज तो आज थी संडे, और संडे को बहुत ही गंदा ट्रैफिक रहता है, लेकिन कुछ वो ही है ना, फर्स्ट टाइम आया हूँ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है गंदा, बट कोई दिक्कत नहीं हुई, टाइमली हम आ गए थे यहाँ पे, तो हम आ गए थे काफी टाइम पहले ही, लेकिन अभी फिलहाल अपना मतलब खाना पीना करते करते इतना टाइम हो गया है, और अपना बिस्तर लग चुका है। अभी जैसे मैं आपको बोला कि यहाँ पर ड्राइवर के भी रूम की व्यवस्था है, बट वो रूम मुझे समझ नहीं आया, और ज़्यादातर आपको पता ही होगा, ज़्यादातर तो हमें गाड़ी में ही अपना एंजॉयमेंट, मतलब बढ़िया सुकून की नींद आती है, पंखा अपना लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ होती है मोबाइल, मोबाइल अपना चार्ज कर लेंगे और बढ़िया से नींद पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं आज यहाँ पे ठंडे मौसम में हमें कैसी नींद आएगी, और बाकी की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आपको पता चलेगी। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे एंड होती है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और बाकी की आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे फॉलो करें, और अगर आपको भी आपका भी कोई भी प्लान बनना है, केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री हरिद्वार ऋषिकेश चोपटा मसूरी नैनीताल जिम कॉर्बेट, जहां भी आपको घूमना है ऑल ओवर इंडिया, लगाइए हमारा नंबर, डिस्प्ले पे मेंशन हो रहा होगा 9767 8 सॉरी 9667 8 सॉरी 9667 8 सॉरी 9667 8 86 63 64, तो हमारा नंबर लगाइए, हम आपको घुमाएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी इशू लगता है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब पे या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। तो चलिए मिलते हैं आपको इसी टॉपिक पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे, न्यू वीडियो के साथ, न्यू डे के साथ, और न्यू जर्नी के साथ। आज का वीडियो यही अपना एंड होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, टाटा बाय, गुड नाइट।